और मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में एक ऐसी खबर पर चर्चा करने के लिए जिसको सुबह भी हमने कवर किया था। असल में कल यह सुर्खियों में आई थी, हमने सुबह इसके ऊपर एक सेशन भी कवर किया था। अभी आपको इसी से जुड़े हुए कुछ अपडेट साझा कर रहे हैं क्योंकि इससे जुड़ी हुई चीन की प्रतिक्रिया अब तक आ चुकी है। दूसरा, भारत की संसद में भी इस मसले के ऊपर चर्चा हो चुकी है। जो सुबह के सेशन से अनजान है उन्हें हमारी टेक्निकल टीम सुबह का सेशन कमेंट बॉक्स में पिन कर देगी। हमने इसी चर्च पर एक बार चर्चा की थी कि हाल ही में चीन की सेना के द्वारा, यानी कि जो पीएलए है उसके द्वारा, अरुणाचल प्रदेश बॉर्डर पर यांगत्से नामक जगह पर, जहां पर तवांग नामक स्थान है, यांगत्से उसके नज़दीक स्थित जगह है, वहां पर अंदर आने का प्रयास किया गया जिसमें से चीनी सैनिकों को भारतीय सेना के द्वारा खदेड़ कर पीछे भेज दिया गया था। ये जो चर्चा है ये इसके बाद से काफ़ी ज़्यादा मायने रखती है कि चीन का क्या इस बारे में वर्जन है, यानी चीन अपने लोगों से इसके बारे में क्या चर्चा कर रहा है, नंबर एक। और दूसरा, भारत की सरकार या वर्तमान के जो रक्षा मंत्री हैं वो संसद में, जो वर्तमान में शीतकालीन सत्र चल रहा है, उसके माध्यम से जनता को या देश को क्या कहना चाहते हैं। आज के इस सेशन में हमने इन दोनों विषयों पर बातें की हैं। तो फिलहाल के लिए जैसा आप यहां पर देख रहे हैं, ये आपके सामने है ग्लोबल टाइम्स की खबर। देखिए, ग्लोबल टाइम्स इस तरह से समझिए जैसे भारत के अंदर आकाशवाणी है या डीडी न्यूज है, हालांकि फिर भी वो अपनी तरह से स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। यहां पर ग्लोबल टाइम्स जो है ना वो पूरी तरह से चीनी सरकार का मुखपत्र है। यहां पर विदेशी अखबार न्यूज नहीं छापते हैं, सब न्यूज इन्हीं के द्वारा, सरकारी न्यूज के माध्यम से दी जाती हैं। तो इनके न्यूज में जो चीजें साझा हुई वो यहां के स्पोक पर्सन यानी पीएलए के स्पोक पर्सन के द्वारा कही गई बातें हैं। पीएलए का स्पोक पर्सन यानी कि उनकी आर्मी का स्पोक पर्सन क्या बोला, तो यहां पर है कि बॉर्डर ट्रूप्स ऑफ पीएलए वेस्टर्न थिएटर कमांड वर ऑन रूटीन पेट्रोल, यानी ये अपने बारे में कह रहे हैं कि जो पश्चिम में, क्योंकि चीन के पश्चिम में पड़ता है ये क्षेत्र, ठीक है ना, तो चीन के पश्चिम वाले क्षेत्र की तरफ, तो पीएलए का जो वेस्टर्न थिएटर कमांड है वो अपनी रूटीन पेट्रोलिंग पर था, यानी कि उस जगह की रूटीन चेकिंग पर था। चाइनीज साइड ऑफ एलएसी ऑन ईस्टर्न सेक्शन ऑफ चाइना इंडिया बॉर्डर, चाइना इंडिया बॉर्डर तीन सेक्टर्स में है, ईस्टर्न, मिडिल और वेस्टर्न। वेस्टर्न वाला साइड आपका लद्दाख वाला सेक्टर आता है, सेक्टर जो सेंटर वाला साइड है उसमें उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश आता है, ईस्टर्न वाले साइड में अरुणाचल प्रदेश वाला क्षेत्र आता है। तो ये लिखते हैं चाइना इंडिया बॉर्डर ऑन फ्राइडे बोले तो 9 दिसंबर व्हेन इंडियन ट्रूप्स इलीगली क्रॉस्ड द लाइन, यानी एलएसी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ईस्टर्न वाला जो क्षेत्र है उसको इलीगली क्रॉस किया एंड ब्लॉक्ड द चाइनीज फोर्सेस, और चाइनीज फोर्सेस को इस जगह की पेट्रोलिंग करने से रोका गया, ठीक है। तो इलीगली हम लोगों ने क्रॉस किया, ऐसा इन्होंने स्पोक पर्सन ने कहा है ग्लोबल टाइम्स के अंदर, पीएलए के स्पोक पर्सन ने, ठीक है। तो ये जो हमने कहा ना चीन का दावा भारतीय सेना ने लांघी थी सीमा, तो हमने क्रॉस किया है ऐसा चीन का कहना है, ठीक है, नंबर एक। नंबर दूसरी चीज जो आज हम बताएंगे आपको, भारत ने यहां पर फिलहाल लड़ाकू विमानों की फेरी लगा दी है, यानी कि एक तरह से इंडियन एयरफोर्स के जो सुखोई 30 हैं वो लगातार यहां पर राउंड कर रहे हैं, पेट्रोलिंग कर रहे हैं, ठीक है। अब कहानी आपको थोड़ा विस्तार से समझाते हैं। आज सुबह ही, अभी 9 घंटे पहले ही हमने एक सेशन साझा किया था जिसमें हमने बताया था भारत और चीन के सैनिक, कल के ऊपर बताया था असल में हमने, तो भारत और चीन के सैनिक अरुणाचल प्रदेश में एक बार फिर भिड़ गए हैं और यह है गलवान वैली इंसिडेंट के बाद में हुआ सेकेंड इंसिडेंट है, ठीक है। अब तक भारत और चीन की सेनाएं आपस में एक दूसरे के साथ 1962 के बाद छठी बार एक दूसरे के साथ 1-to-1 कन्फ्रंटेशन में आई हैं। तवांग क्षेत्र में 1975 में भारत और चीन की सेनाएं आमने सामने हुई थी, उसके बाद अब 2022 में हो रही हैं। कहां पर है ये तवांग क्षेत्र, ये रहा, ठीक है। ये जो डॉटेड क्षेत्र दिखाया जा रहा है ये तवांग के पास में स्थित जगह यांगत्से, ये जो क्षेत्र है असल में अरुणाचल प्रदेश के जो वर्तमान सीएम है उन सीएम का चुनावी क्षेत्र भी है, यानी पेमा खांडू जो है उनका असेंबली क्षेत्र भी है, और उन्होंने अपने द्वारा ट्वीट करके जानकारी दी कि मैं यहां पर हर बार, मतलब दिवाली के अवसर पर सेना के जवानों से मिलने जाता हूं और यहां पर बड़े ही सब अच्छे से, सब चीजें बहुत अच्छे से हैं। तवांग क्षेत्र के पीछे क्या है इसकी वजह, क्यों इस जगह पर यह कब्जा करना चाहता है, तो आज के सेशन में हम आपको यह भी बताएंगे कि किस तरह चीन ने
कब्जा करके अपने क्षेत्रफल में इतनी वृद्धि कर ली है। यानी आज का जो चीन है, असल में ये चीन कभी ऐसा होता नहीं था। इसने क्षेत्रों पर कब्जा करके उन क्षेत्रों पर जबरन अपनी एक तरह से ये बता करके कि ये मेरा क्षेत्र है, ऐसे करके इसने जितने क्षेत्र अपने अंदर बढ़ाए हैं, आज के सेशन में हम आपके साथ उन बारों में भी चर्चा करेंगे। घटना 9 दिसंबर की है। अरुणाचल प्रदेश में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC पर भारत और चीन के सैनिक एक दूसरे के सामने आए और यहां पर उन दोनों के बीच में झड़प हुई। भारत के 6 जवान यहां पर मामूली रूप से जख्मी हुए, जिन्हें गुवाहाटी के अस्पताल में लाया गया। 10 चीनी सैनिक भी घायल हुए और इसके बारे में ANI के सूत्रों के हवाले से खबरें आई। एक सोशल मीडिया पर यह वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें चीनी सैनिकों को पीटते हुए भारतीय जवान दिखाई दे रहे हैं। यानी इसके अंदर जो घटनाक्रम आप देख रहे हैं, यहां पर काफी अच्छा सा यह निकल के आता है, जिसमें कि इस बारे में जानकारी निकल कर आ रही है कि जो चीनी सैनिक थे वो अपने साथ में जिस प्रकार से रॉड और तार लगी हुई चीजें लेकर आते थे, इस बार भारतीय सेना भी पूरी तरह से अपनी मुस्तैदी के साथ यहां थी। 1993 का एग्रीमेंट है भारत और चीन की सेना के बीच, जिसमें एक दूसरे के ऊपर किसी भी हथियार का उपयोग नहीं किया जाएगा, अर्थात कोई भी एक दूसरे के ऊपर गोला बारूद नहीं चलाएगा बॉर्डर एरियाज में। लेकिन इस क्षेत्र के अंदर जो ये तस्वीरें आ रही हैं, इसमें ये लोग रॉड का उपयोग करते हुए बताए गए हैं। हालांकि तस्वीरों में ये भी नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन कहा गया है कि ये उसी जगह का दृश्य है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के CM के द्वारा जो आज मैसेज दिया गया वो ये था कि यांगत्से इज माई कंस्टिट्यूएंसी एंड एवरी ईयर आई मेट द जवान्स एंड विलेजर्स ऑफ द एरिया। इट्स नॉट 1962 एनी मोर। 1962 क्या था? 1962 में असल में अरुणाचल प्रदेश के इस क्षेत्र के अंदर भी, जो वर्तमान में तवांग वाला क्षेत्र है, ये भी चीन ने अपने कब्जे में ले लिया था। बिल्कुल वैसे ही जैसे लद्दाख वाले क्षेत्र पर चीन ने कब्जा कर रखा है। यानी वो जो क्षेत्र LAC से मैकमोहन लाइन के बीच का जो क्षेत्र है, जिस पर चीन का कब्जा है, ठीक उसी प्रकार से तवांग के क्षेत्र तक भी चीन का कब्जा हो गया था। लेकिन फिर वो यहां से समझौते के बाद पीछे हट गया था। लेकिन वो समझौते के बाद पीछे हटा था, अब वो वापस यहां आने की अगर सोचता है तो अब ये 1962 जैसी स्थिति नहीं है। यहां पर ईंट का जवाब पत्थर से नहीं, ईंट का जवाब लोहे से दिया जाएगा। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के विषय के ऊपर राजनाथ सिंह जी के द्वारा एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई। तीनों सेनाओं के चीफों को बुलाया गया। फॉरेन मिनिस्टर ने भी इस मीटिंग को अटेंड किया। भारत के तीनों सेना के प्रमुखों के द्वारा इस मीटिंग को अटेंड किया गया। राजनाथ सिंह जी के द्वारा राज्यसभा में आज जवाब देते हुए जो देश को संबोधन किया गया वो आप देख लें। 9 दिसंबर 2022 को हुई एक घटना के बारे में अवगत कराना चाहूंगा। 9 दिसंबर 2022 को चाइनीज PLA ट्रुप ने तवांग सेक्टर के यांगत्से एरिया में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अतिक्रमण कर स्टेटस को एक तरफा बदलने का प्रयास किया। चाइना के इस प्रयास का हमारी सेना ने दृढ़ता के साथ सामना किया। फेस ऑफ में हाथापाई भी हुई और भारतीय सेना ने बहादुरी से PLA को हमारी टेरिटरी में अतिक्रमण करने से रोका और उन्हें उनकी पोस्ट पर वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया। इस झड़प में दोनों ओर के सैनिकों को कुछ चोटें आई हैं। उपसभापति महोदय, मैं इस सदन को यह बताना चाहता हूं कि हमारे किसी भी सैनिक की न तो मृत्यु हुई है और न ही कोई गंभीर रूप से घायल हुआ। इंडियन मिलिट्री कमांडर्स के टाइमली इंटरवेंशन के कारण PLA सोल्जर्स अपनी लोकेशंस पर वापस चले गए और इस घटना के पश्चात एरिया के लोकल कमांडर ने 11 दिसंबर 2022 को अपने चाइनीज काउंटर पार्ट के साथ स्थापित व्यवस्था के तहत एक फ्लैग मीटिंग भी की और इस घटना पर चर्चा की। चीनी पक्ष को इस तरह के एक्शन के लिए मना किया गया और सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए उन्हें कहा गया। इस मुद्दे को चीनी पक्ष के साथ कूटनीतिक स्तर पर भी उठाया गया है। उपसभापति महोदय, मैं इस सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारी सेनाएं हमारी भौमिक अखंडता को सुरक्षित रखने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं और इसके खिलाफ यहां पर जो भी आपने सुना किसी भी प्रयास को रोकने के लिए सदैव तत्पर है। मुझे विश्वास है कि यह सदन हमारी सेनाओं की वीरता और साहस को एक
तो उम्मीद है कि आपने राजनाथ सिंह जी का जो सदन को संबोधन था राज्यसभा का, वो आपने सुन लिया होगा। इसके बाद में मतलब बट ऑब्वियस है कि राजनीति के अंदर ये सब बातें पूछी जाएंगी। इस बीच में जानकारी यह निकल कर आती है कि राजनाथ सिंह जी के स्टेटमेंट जो था उसकी वजह से अपोजिशन पार्टियां शांत नहीं हुई और उन्होंने मतलब यहां से प्रोटेस्ट के अंदर वॉकआउट किया। अपोजिशन सेड दैट इट वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद जस्ट ए स्टेटमेंट एंड वॉन्टेड ए डिस्कशन ऑन द क्रूशियल बॉर्डर इशू। यानी अपोजिशन इस विषय के ऊपर अपना डिटेल डिस्कशन चाहता था। कांग्रेस एमपी शक्ति सिंह गोहिल ने एनडीटीवी को कहा कि एटीट्यूड जो है सरकार का वो डिस्कशन को अवॉइड करने जैसा था। मैनी पार्टीज डिमांडेड दैट ऑल अदर पार्लियामेंट बिजनेस बी ऑन होल्ड एंड थ्रेड बेयर डिस्कशन ऑन इंडिया चाइना बॉर्डर इशू। यानी कि इस क्षेत्र में इस विषय के ऊपर जो चर्चाएं हैं वो चर्चाएं बेहतरीन तरीके से डिटेल में की जाएं, उन डिस्कशंस को प्रॉपर तरीके से किया जाना आवश्यक है, ऐसा यहां पर डिमांड किया गया। ठीक है, अब जब इस तरह से अपोजिशन के द्वारा कहा गया कि सारे दिन भर के बिजनेस को पोस्टपोन किया जाए और इस विषय पर ही चर्चा की जाए, यह काम नहीं हो पाया। इसके बाद से वॉकआउट की भी बात न्यूज में निकल कर आई, अपोजिशन यहां से सदन छोड़कर चला गया। इसके बाद फिर अमित शाह जी का बयान निकल कर आया, उन्होंने कहा कि हम अपनी एक इंच भी जमीन इन्हें नहीं लेने देंगे। ये देश के गृह मंत्री का बयान है, देश के गृह मंत्री के द्वारा ट्वीट भी किया गया, उसमें यह कहा गया कि नेहरू जी के कारण देश की सुरक्षा परिषद जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में हमें सीट मिल सकती थी, वो सीट इनके कारण बलिदान चढ़ गई। यानी कि नेहरू जी के कारण जो भारत को मिल सकता था यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का स्थायी सीट, वो नहीं मिला। 1962 में जिस समय नेहरू जी की सरकार थी, भारत की हजारों हेक्टेयर भूमि चीन के कब्जे में चली गई। 2006 के अंदर भारत के अंदर जो चीन का दूतावास है उसने पूरे अरुणाचल प्रदेश और नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर पर अपना दावा डिक्लेयर कर दिया कि अरुणाचल प्रदेश हमारा है। ये चीन ने 2006 के अंदर भारत में रहते हुए कह दिया, जो भारत के दिल्ली के अंदर दूतावास है उसके द्वारा। अब देश में मोदी सरकार है, हमारी एक इंच भूमि भी कोई नहीं ले सकता। इस बीच में इन्होंने एक और ट्वीट किया और वो ये था, आपको याद होगा हाल ही में राहुल गांधी जी के ऊपर जो जानकारी मतलब वो बैठी थी, इंक्वायरी बैठी थी, उसमें ये बात थी कि 2005-06 के बीच में राजीव गांधी फाउंडेशन ने इसी चीनी दूतावास से, जिसने कि अरुणाचल प्रदेश को अपना बताया था, उससे 1,35,00,000 रुपए प्राप्त किए थे। कांग्रेस देश को बताया कि राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट ने जाकिर नाइक की संस्था से बिना अनुमति के FCRA खाते में जुलाई 2011 को 50,00,000 रुपए क्यों लिए। यानी जाकिर नाइक की संस्था भी इनको पैसे दे चुकी है, चीनी दूतावास भी इनको पैसे दे चुका है। ये बात अमित शाह जी के द्वारा उठाई गई। अब ये क्यों उठाई गई, आप कहेंगे हर बात में पीछे से क्यों शुरू कर देते हो, तो भाई यहां पर इनका तर्क यह है कि आप वॉकआउट कर रहे हैं और हम कुछ भी नहीं होने दे रहे हैं, तो फिर वॉकआउट के केस में सुनते भी जाइए। और राजनीति है, राजनीति में राजनेता एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति से ही जनता के बीच में अपना मत स्थापित करते हैं। खैर, ग्लोबल टाइम्स का आपने स्टैंड सुन ही लिया, इसके साथ साथ सिचुएशन ऑफ चाइना, ग्लोबल टाइम्स ने इसको कैसे कवर किया है ये तो हमने आपको ट्वीट दिखाया। ग्लोबल टाइम्स ने कवर किया है, सिचुएशन एट चाइना इंडिया बॉर्डर जनरली स्टेबल, इंडिया आस्क्ड टू अवॉइड बाय स्पिरिट ऑफ एग्रीमेंट। यानी कि इंडिया से कहा जाता है, ये चाइनीज विदेश मंत्री ने कहा कि वो एग्रीमेंट जो है उसको ही मानकर चलें। भारत और चीन के बीच में एग्रीमेंट 1993 में है, 1996 में है। 1993 और 1996 के अनुसार हम LAC को मानते हैं, नंबर एक। नंबर दूसरा, हम एक दूसरे पर गोला बारूद का उपयोग नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये चीनी विदेश मंत्री हैं, इनका स्टेटमेंट मैं आपको सुनाऊं तो मंदारिन भाषा में है, आप समझ नहीं पाएंगे। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन नीचे लिखा आ रहा है, आप देख सकते हैं, ये हिंदुस्तान टाइम्स से हमने इसको लिया है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये खबर भी आप एडिशनली इनके माध्यम से सुन लीजिए। फिर आती है भारत के द्वारा की गई प्रतिक्रिया। असल में हो ये रहा है, 9 दिसंबर को यह घटना हुई, उससे पहले भी ये बात बार बार रिपोर्ट की जा रही थी कि इस क्षेत्र में चीनी सेना के द्वारा ड्रोन्स उड़ाए जा रहे हैं। LAC के बॉर्डर एरिया में चीनी सेना बार बार ड्रोन उड़ा करके क्षेत्र की निगरानी करना चाहती है। इस विषय के जब बारे में बातें पता चली तो फिर भारतीय सेना भी अलर्ट पर आ गई और भारतीय एयरफोर्स ने अपने द्वारा इंडियन एयरफोर्स के दो तीन बार इंडियन एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट्स को यहां से उड़ा दिया। यानी कि इस क्षेत्र के अंदर LAC फेस ऑफ हुआ, इंडियन एयरफोर्स ने 2-3 times यहां पर चाइना के साथ में एयरक्राफ्ट्स को रन कर दिया है और यह साफ साफ कह दिया है कि यदि इस क्षेत्र के अंदर बाई चांस भी
कोई ड्रोन दिखाई पड़ गया बॉर्डर क्रॉस करता हुआ और हमारे रडार ने ये इंडिकेट कर दिया कि ये इंडिया के क्षेत्र में है, तो हम उसको गिराने में या उसको मार गिराने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, इस वजह से हमने इसको काम कर दिया। अच्छा, आपको याद हो इसी बॉर्डर के लिए यानी ईस्टर्न सेक्टर वाला जो हमारा बॉर्डर है इसके लिए ही हमने इस क्षेत्र में S-400 को भी नियुक्त किया हुआ है, यानी हमारा S-400 भी इसी क्षेत्र के अंदर जो हमने रूस से लिया हुआ S-400 है वो भी इसी क्षेत्र के अंदर मुस्तैदी से तैनात है, और जैसे ही कोई मिसाइल का अटैक हो तो ऐसी स्थिति में वो S-400 मिसाइल सिस्टम उसे हवा में ही नष्ट करने के लिए उपलब्ध है। तो पूरी तरह से हमारी सेनाएं तत्परता से तैयार हैं। इस क्षेत्र की यह घटना है और इस क्षेत्र में हमारी एयरफोर्स के द्वारा, इंडियन एयरफोर्स के द्वारा पूरी पुख्ता तरीके से जांच की जा रही है, और ऐसी स्थिति में S-400 को भी पूरी तरह अलर्ट रखने पर यहां पर खड़ा कर दिया गया है। ठीक है, तो ये हुई सारी जानकारी, उम्मीद है कि आपको यहां तक बातें समझ में आ गई हो। इसके बाद एक जानकारी और आती है और वो ये है कि भाई ऐसा ये जो लोग कर रहे हैं ये क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे का कारण क्या है, तवांग में अचानक इंटरेस्ट क्या है। तो इसके बारे में कहा जाता है कि इसके कई वजह हैं। इनमें से पहला वजह यह है कि तवांग का यांगसे क्षेत्र जहां पर ये मतलब ये जो छिटपुट की घटनाएं आई हैं असल में ये 17,000 फीट की ऊंचाई पर है, तो इस क्षेत्र पर यदि चीनी सेना आकर बैठती है तो वो अरुणाचल प्रदेश पर बहुत अच्छे से निगरानी रख पाएगी। तो पहला कारण तो ये बताया गया। दूसरा कारण ये है कि LAC क्रॉस करते समय ये अहम पॉइंट है तवांग। तवांग जो क्षेत्र हम बार बार आपको मैप में दिखा रहे हैं, यदि आप इस मैप को ध्यान से देखें तो ये क्षेत्र काफी महत्वपूर्ण है। LAC क्रॉस करनी है किसी को तो यहां से सीधा भूटान पहुंचता है। तीसरा पॉइंट क्या है कि जब तिब्बत पर चीन ने कब्जा किया था तो यहां से दलाई लामा भाग करके जहां पहुंचे थे ना सबसे पहले वो तवांग में ही पहुंचे थे। तवांग में बौद्धों का मठ है, बौद्ध भिक्षुओं का मठ है, तो ये जो मठ है ना इसको चाइना अपने लिए इसलिए जान जीतना चाहता है ताकि दलाई लामा से जुड़ी हुई सब चीजें, चाहे फिर वो तिब्बत हो या फिर तवांग हो, उस पर उनका कब्जा हो। दलाई लामा के भारत आने के बाद ही भारत और चीन की लड़ाइयां हुई थी। असल में चीन के द्वारा तिब्बत पर जब कब्जा किया गया था तो दलाई लामा भारत आ गए थे और उसी की प्रतिक्रिया स्वरूप भारत और चीन की जो सबसे पहली 1962 की वॉर थी वो हुई थी। वर्तमान बॉर्डर स्थितियां कुछ इस प्रकार से हैं। जो हम लोग अखंड भारत की बात करते हैं, कश्मीर के विषय पर जब हम बात करते हैं, तो वर्तमान में हमारा कश्मीर का जो क्षेत्र है जो चीन के द्वारा अपने कब्जे में है वो इस प्रकार से आपको दिखाई पड़ रहा है। ये पाकिस्तान के द्वारा 1963 में दिया हुआ क्षेत्र है, ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का क्षेत्र है, यानी भारत का जो वर्तमान में जिस क्षेत्र पर आज हम लोग विराजमान हैं वो ये वाला क्षेत्र आपको दिखाई पड़ता है। आप इस क्षेत्र को देख सकते हैं। ठीक है, इतना ही नहीं, इस क्षेत्र के ऊपर जो आप रेड डॉटेड देख रहे हैं, चीन इस क्षेत्र को, अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र को अपना बताता है। असल में क्राइसिस का जो पॉइंट है वो यहीं से निकल कर आता है। ठीक है, अब एक चीज मैं यहां पर आपको और बताता हूं। ये दो जो क्षेत्र आपने देखे, जिन क्षेत्रों को हम इस मैप के माध्यम से समझ रहे हैं, ये वर्तमान स्थिति है। समटाइम्स आप और हम बहुत ज्यादा ऑफेंड फील करते हैं कि मैप गलत लगा दिया। असल में वास्तविकता को दर्शाने के लिए यह मैप जरूरी है आपको बताने के लिए, अदरवाइज आपको रियलिटी का अंदाजा ही नहीं होगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि कन्फ्रंट हो कहां रहा है, लोग आपस में भिड़ कहां रहे हैं। आपको लगेगा इसके बाहर लड़ाई हो रही है, असल में वो अंदर लड़ाई हो रही है, है ना। तो इसके लिए जरूरी है कि आपको सच्चाई का साक्षात्कार हो। अब एक बहुत बड़ी चीज हम आपको यहां पर बताते हैं कि चीन की ये फितरत क्या है पड़ोसी क्षेत्रों को कब्जाने की, किस तरह से इसने अपना क्षेत्रफल बढ़ाया। तो देखिए, कहते ऐसा है कि चीन ने जब से आजाद हुआ है तब से अपने क्षेत्रफल में 43% जो भूमि है वो दूसरे देशों से हड़पी है। यानी इसके जो क्षेत्र आपको दिख रहे हैं, ये जो क्षेत्र आपको दिख रहा है, असल में ये क्षेत्र इसका था ही नहीं। जो जिंजियांग प्रोविंस है असल में वो तुर्किस्तान है, ये तुर्किस्तान का कब्जा किया हुआ क्षेत्र है जिसमें उइगर मुस्लिम रहते हैं। 45% उइगर मुस्लिम, 40% हान चीनी। चीन ने इसको 1949 में कब्जा करके अपने साथ मिलाया था।
ठीक वैसे ही ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं ये तिब्बत वाला क्षेत्र है। इस तिब्बत वाले क्षेत्र पर भी इसने ऐसे ही कब्जा किया था। तिब्बत वाले क्षेत्र पर भी कब्जा करके 12.28 लाख वर्ग किलोमीटर इसने 1950 में कब्जा कर लिया था। यानी चीन की 1950 में आजादी बैक टू बैक उसने अपने क्षेत्रफल में इतनी वृद्धि कर ली। सामान्यतया कहते हैं कि देशों के क्षेत्रफल नहीं बढ़ते, चीन का क्षेत्रफल बढ़ते हुए आप देख सकते हैं। तीसरा जो क्षेत्र है वो ये ऊपर वाला जो क्षेत्र आप देख रहे हैं, असल में इससे ऊपर मंगोलिया है। मंगोलिया का दक्षिण वाला जो यह हिस्सा है, सीमावर्ती हिस्सा, इस पर चीन का कब्जा हुआ और चीन ने इस क्षेत्र के ऊपर जो इनर मंगोलिया नामक जो क्षेत्र है इस पर 1947 में कब्जा किया था। तो इस प्रकार से तीन बड़े क्षेत्र जो हैं उन पर चीन ने अपना कब्जा कर रखा है। ऐसे ही अगर आप यहां दो बिंदुओं को ब्लिंक होते देखें तो ये दो जो क्षेत्र आपको दिख रहे हैं इन क्षेत्रों पर चीन ने एक जगह पर हांगकांग और एक जगह पर ताइवान, इन क्षेत्रों पर भी कब्जा लगभग कर ही लिया है। ताइवान के साथ इनका कन्फ्लिक्ट चल रहा है और ताइवान के साथ जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है भविष्य में संभव है कि ताइवान के साथ इनकी जो बातें हैं वो मिलने को लेकर होंगी, नहीं तो अतिक्रमण की होंगी। चीन लगातार इसी प्रयास को आगे बढ़ा रहा है। आने वाले समय में देखना होगा कि भारत अपनी सीमाओं की सुरक्षा चीन के इस मकड़ जाल से कैसे करता है, क्योंकि इसकी जो मानसिकता है वो जग जाहिर है। उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई हो। साथियों के साथ में इस जानकारी को अवश्य साझा करें। आप बड़ी मात्रा में इस समय उपस्थित हैं, इसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। 20,000 से ज़्यादा साथी लाइव हैं और 3,500 लाइक हैं। ये लाइव वर्सेस लाइक का क्या रेशो है इसे प्लीज़ थोड़ा सा मेंटेन करें। सेशन पसंद आया है तो इसे जरूर लाइक करें, साथियों से साझा करें। चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। मेरा रेफरल कोड है अंकित10, जिसका यूज़ करके आप अनअकैडमी पर किसी भी सब्सक्रिप्शन पर 10% डिस्काउंट पा सकते हैं। लेकिन 16 दिसंबर तक SSC कैटेगरी में 20% डिस्काउंट ऑफर किया जा रहा है, जिसकी वजह से 12 महीने का कोर्स आपको 5,300 रुपये में और 24 महीने का कोर्स 6,400 रुपये में दिया जा रहा है। बहुत ही नॉमिनल कीमत पर आपको मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, GK SSC कैटेगरी के लिए यहां पर बिल्कुल अप टू डेट फॉर्म में आपको उपलब्ध हो जाती है। इसी के साथ में 15 दिसंबर से इंडिया के टॉप एडुकेटर्स के द्वारा क्रिएटेड UPSC का कोर्स शुरू हो रहा है, वर्ष 2024 के प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए। प्लस और आइकॉनिक फॉर्मेट में है। आइकॉनिक में आपको मेंटरशिप दी जाती है। लक्ष्य बैच के नाम से शुरू हो रहा है, हिंदी माध्यम का बैच, और आरंभ नाम से भी बैच शुरू हो रहा है। आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। फीस है इसकी 55,000 रुपये 18 महीने की, यानी प्रीलिम्स, मेंस और ऑप्शनल तीनों चीज़ें आपको 55,000 रुपये में 18 महीने के लिए प्राप्त होती हैं, जिसे आप इजी EMI के माध्यम से 4,364 रुपये प्रति माह पर प्राप्त कर सकते हैं बिना किसी ब्याज के। ये की फीस, इसमें आपको ऑप्शनल के बहुत सारे विकल्प, पूरी प्रीलिम्स और मेंस की कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी, 1-to-1 मेंटरशिप और बहुत सारी किताबें आपको यहाँ पर उपलब्ध कराई जाती हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।